हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ईदृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर में लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक साल के अंदर जितना भी रिपोर्ट और इंडेक्स आपका पब्लिश हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी इंडेक्स और रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आपका कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स लास्ट क्लास में रह गया था, जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका आज की जो क्लास है वो इंडेक्स और रिपोर्ट का पार्ट 3 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बाकी की क्लासेस को भी देख लेना है। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर के अलावा हमने नेशनल करंट अफेयर को भी काफ़ी अच्छे से कवर किया है पूरे एक साल का, और इसकी एक महा मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। मैराथन क्लास में 1 से 2 घंटे में पूरे एक साल का नेशनल करंट अफेयर आपको कवर करा दिया गया है, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख एवं मयूरभंज को टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की थी, और इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा ओडिशा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। तो ये न्यूज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी रिपोर्ट हो, उसके बारे में 2 से 3 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहला, कोई भी रिपोर्ट किसके द्वारा, किस संस्थान के द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई है और टॉप पर कौन सी कंट्री है। तो ये इन पॉइंट्स को आपको किसी भी इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोई भी इंडेक्स किन पैमानों को शामिल करके बनाया जाता है। तो कोई भी इंडेक्स हो, 3 से 4 पैमानों को शामिल करता है, जिनके आधार पर किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की स्थिति को देखा जाता है। देखिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं इस सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6,701 दर्ज की गई है। उपयुक्त आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आतंकवाद से मरने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में आतंकवादी हमलों की संख्या वर्ष 2021 के 5,463 से 28% की गिरावट के साथ 3,955 दर्ज की गई है। तो आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। आप देख सकते हैं 2021 में 5,463 आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, जो कि 2022 में गिरकर 3,955 रह गई हैं। जबकि वर्ष 2021 की भांति वर्ष 2022 में भी इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है। तो विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह कौन सा है? तो ये है आपका इस्लामिक स्टेट, इसे आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1,045 मौतों के लिए उत्तरदायी था। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये चीज़ों, इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं, जहाँ पर आतंकवाद का सबसे ज़्यादा खतरा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो सबसे नंबर एक पर है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं देखी जाती हैं। दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो आता है, तीसरे नंबर पर सोमालिया है, फोर्थ नंबर पर माली है और फिफ्थ नंबर पर सीरिया है। ये टॉप 5 कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं घटती हैं। इसके अलावा आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान भी आप देख सकते हैं। तो ब्रिक्स, बेसिकली ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर आपका B4 होता है ब्राज़ील, R4 होता है रूस, I4 होता है इंडिया और C4 चाइना होता है, S4 साउथ अफ्रीका होता है। तो ये ब्रिक्स देशों का समूह है। आपको यहाँ पर देखना है कि आखिर इन देशों की क्या स्थिति है आतंकवाद से प्रभावित होने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राज़ील को, ब्राज़ील रैंक 85 आई है ब्राज़ील की, रूस की 45 रैंक है, भारत 13वें नंबर पर है, चीन 93 रैंक पर है और दक्षिण अफ्रीका 79 रैंक पर है। तो ये ब्रिक्स देशों की स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। तो इंडिया की यहाँ पर कौन सी रैंक है? 13वीं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। चलिए इसको समझते हैं। 13 मार्च 2023 को सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 13 मार्च 2023 को सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो सिप्री के द्वारा पब्लिश किया गया है। वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर क्या आई है? कमी आई है। चलिए कुछ पॉइंट्स की यहाँ पर बात करते हैं। वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी हैं। तो ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी। संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2018-22 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का 40% रहा है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने अकेले 40% हथियारों का निर्यात किया है, जो वर्ष 2013-17 की तुलना में 14% अधिक है। वर्ष 2018-22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश हैं। यहाँ पर आर्म्स इंपोर्टर बताया गया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हथियारों को खरीदा है। तो ये हैं आपके भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं और भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यद्यपि वर्ष 2013-17 के मुकाबले वर्ष 2018-22 में भारत के कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है, रूस वर्ष 2018-22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, रूस वर्ष 2018-22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। वर्ष 2018-22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे एवं अमेरिका तीसरे स्थान पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत को हथियार आपूर्ति करने के मामले में सबसे पहले स्थान पर है आपका रूस, दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है
अमेरिका। वर्ष 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं वर्ष 2018-22 में भारत इस सूची से बाहर है। रूस, फ्रांस एवं इसराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर है। तो ये था आपका हथियार आपूर्तिकर्ता देश। चलिए अभी समझते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों एवं तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अमेरिकी फिल्म निर्माता जैनेट योंग अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अकादमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। 12 मार्च 2023 को थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। तो कौन सी फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह, तो मल्टीवर्स पर आधारित यह एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान एवं डेनियल स्किनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के बारे में याद रखना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और इसने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। यह मल्टीवर्स पर आधारित एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, यह चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसी मूवी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है इस साल। और इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट ने। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको याद रखना है। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योहो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल योहो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा दी विहेल में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप अन्य प्रमुख विजेताओं को भी देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, तो ये सारी फिल्में आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म आपकी नेवेलिनी है। सर्वश्रेष्ठ संगीत का आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित दी एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपके लिए ये न्यूज़, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के लिए वह पल ऐतिहासिक क्षण रहा जब दी एलिफेंट विस्पर्स क्या है, यह एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिल भाषा की इस फिल्म की निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता गुनित मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ।
ध्यातव्य है कि दी एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े बोम्मन और बेल्ली की है जो कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब SS राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटू नाटू गीत के संगीतकार MM कीरावानी और गीतकार चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। आपको यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है कि नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन हैं, तो ये हैं आपके कीरावानी और गीतकार चंद्र बोस हैं। इस गीत के गायक राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव हैं। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग का ओस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR पर फिल्माया गया था। देखिए, उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लो सो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लो सो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं या उद्घोषकों में शामिल रही। ध्यातव्य है कि ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 से पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री पर्सिस खम्बाटा थी। वर्ष 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा थी। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर जिन्हें आपको याद रखना है। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 कंट्री को रैंक प्रदान की गई है। यह 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों 12 स्तंभों 67 एलिमेंट्स एवं 300 इंडिकेटर्स पर आधारित है। वर्ष 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर रहा है। आपके लिए यहाँ पर याद रखने लायक चीज़ यही है कि विश्व समृद्धि सूचकांक में टॉप पर कौन सी कंट्री है, डेनमार्क, और अंतिम पर कौन सी कंट्री है जिसे अंतिम स्थान मिला है, वो है आपका दक्षिण सूडान। इसके अलावा भारत की क्या स्थिति है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2022 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। देखिए, सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन Washington DC अमेरिका स्थित थिंक टैंक दी हेरिटेज फाउंडेशन, कौन सा थिंक टैंक है, दी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक
एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चार इंडिकेटर कौन से हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स को निकाला जाता है। सबसे पहला इंडिकेटर है यहाँ पर आपका रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम, कानून का नियम, रूल ऑफ लॉ, जिसमें संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता, ये तत्व शामिल हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर इंडिकेटर है आपका सरकार का आकार। सरकार का आकार में सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति क्या है। तीसरा है यहाँ पर रेगुलेटरी एफिशिएंसी, नियामक दक्षता, और फोर्थ है खुला बाजार, ओपन मार्केट। तो ये चार यहाँ पर व्यापक नीति, यहाँ पर चार इंडिकेटर हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चार देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 50 से 59 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र, मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील एवं रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका भारत दी एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। तो भारत को यहाँ पर देखिए दी एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसको सॉल्ट में आप बोल सकते हैं एम फॉर क्लाइमेट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यह है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 कॉप 26 के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। एम फॉर क्लाइमेट 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु, स्मार्ट कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। देखिए 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर एम फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। भारत अबुधाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान एम फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। वर्तमान में एम फॉर क्लाइमेट के 52 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि 8 से 10 मई 2023 के मध्य एम फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्य संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। देखिए फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में टॉप 3 कंट्री यहां पर आप देख सकते हैं। टॉप 3 कंट्री हैं, पहले नंबर पर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर है फ्रांस।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अंतिम तीन देश आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। देखिए, वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, हाईली करप्ट, तथा 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण है। सूचकांक में डेनमार्क 90 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया 12 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग सबसे कम भ्रष्टाचार वाले टॉप 3 कंट्री, सबसे पहले नंबर पर आपका डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश हैं आपका सोमालिया, सीरिया और दक्षिण सूडान। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है, तो इंडिया की कौन सी रैंक है, 85, ये आपको याद रखनी है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 के सूचकांक में भी भारत को 40 अंक प्राप्त हुए थे, अतः वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। वहीं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 72वें स्थान पर है, ब्राजील 94वें स्थान पर है, रूस 137वें स्थान पर है, चीन 65वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष, तो आप देख सकते हैं भारत को वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पर आपको इसको अच्छे से समझना है। तो वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों एवं दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासेनार नाम दी हेग नीदरलैंड्स में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है, जहां यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। तो भारत इसका सदस्य कब बना था, 2017 में। टोटल कितने मेंबर हैं, 42 मेंबर हैं, और इसका सचिवालय कहां पर है, ऑस्ट्रिया वियना में। इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को याद करते हुए चलना है। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं, चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। ज्ञातव्य है कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था।
इस बैठक में ही भारत को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट है आपका मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। देखिए, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के तहत पर्सनल, सिविल एवं इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर। जनवरी 2023 में वॉशिंगटन डीसी स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं। ये हैं आपकी स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं। नंबर 1 पर है आपका सिंगापुर, दूसरे नंबर पर तिमोर लिस्ते है, तीसरे नंबर पर मलेशिया है, फोर्थ नंबर पर आपका नेपाल है, फिफ्थ नंबर पर इंडोनेशिया है, देन भूटान, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका और 10वें नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं भारत है। नेक्स्ट है आपका ईरान CSW से बाहर। तो दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे CSW आखिर क्या है और ईरान को इससे क्यों बाहर किया गया है। देखिए, ध्यान से समझिए, महिलाओं की स्थिति पर आयोग, CSW की फुल फॉर्म होती है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति पर आयोग। तो CSW लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग, फंक्शनल कमीशन है। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया। तो आप यहां पर देख सकते हैं ईरान को इससे बाहर कर दिया गया है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन में ईरान का कार्यकाल वर्ष 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था, अतः उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया, प्रस्ताव के विपक्ष में 8 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ईरान में आखिर क्या हुआ था जिसके कारण से ऐसा करना पड़ा। तो सितंबर 2022 की घटना है, 22 वर्षीय ईरानी महिला थी महसा अमीनी। महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया था। तो इन महिला पर हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया था, जिस कारण से इन्हें हिरासत में लिया गया था। हिरासत में उन्हें पीटा गया, जिसके फलस्वरूप अमीनी को मृत्यु हो गई। तो इस इन महिला की मृत्यु हो जाती है
और इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्यवाही की थी। इसी के परिणाम स्वरूप ईरान को कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अभी आपको ये न्यूज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ईरान को आखिर क्यों कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन से बाहर किया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022। चलिए इसको भी समझते हैं। वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। देखिए कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर जिन्हें आप देख सकते हैं। 8 दिसंबर 2022 को IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 9वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में भारत ने 52वां स्थान प्राप्त किया है। तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है? 52, इसे आप याद रख सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत 12वें स्थान पर है। अगर बात करें एशिया प्रशांत क्षेत्र की, तो इन पॉइंट्स को यहां पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। चलिए इसको समझते हैं। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इस पॉइंट को यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे हास्य अभिनेता एवं पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे। तो आप देख सकते हैं कि जेलेंस्की मई 2019 से यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति बने हैं, और इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक हास्य अभिनेता थे और पटकथा लेखक थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। मार्च 2022 में उनके साहस एवं वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य की सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फैदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण वोलोडिमिर जेलेंस्की के नाम पर करने की घोषणा भी की थी। उल्लेखनीय है कि द फैदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम ने भी जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था। इसके अलावा अन्य विजेताओं को भी आप यहां पर देख सकते हैं। हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान को मिला है, एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैंक पिंक को मिला है, एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं, आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल योहो बने हैं, ये मलेशियाई अभिनेत्री हैं, इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेग टी रॉबिन्सन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम बनी है, ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ये मिकी गाइटन हैं जो कि एक अमेरिका गायिका हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, ये इनकी लिस्ट जारी करती है। चलिए देखते हैं विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं कौन बनी हैं। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। यह इस सूची का 19वां वार्षिक संस्करण है। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है।
सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन जो कि जर्मनी से हैं शीर्ष पर हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप पर कौन है, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियेन जर्मनी, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे दूसरे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। तो टॉप थ्री यहाँ पर आपने देखा, टॉप थ्री सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं कौन हैं। सूची में जहां यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा शक्तिशाली महिला हैं, वहीं यूएसए की ही नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज शक्तिशाली महिला हैं। वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया है और इन्हें आप देख सकते हैं समग्र रूप से सातवां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस वर्ष की सूची में 6 भारतीय महिलाओं ने भी जगह बनाई है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस वर्ष की सूची में 36वें स्थान पर हैं। एचसीएल टैक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 53वें स्थान पर हैं। सेबी की अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच 54वें स्थान पर हैं और सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वीं रैंक पर हैं। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 177वें स्थान पर तथा नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर हैं। तो ये भारत की 6 महिलाएं हैं जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 ईआईयू। देखिए दिसंबर 2022 में ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर माह में जारी की जाती है। देखिए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर रहे हैं। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। दमिश्क सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट कराकस वेनेजुएला में दर्ज किया गया है। बंगलुरु चेन्नई एवं अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों का स्थान। बंगलुरु यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगलुरु शहर है जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है। चेन्नई अहमदाबाद इन स्कोर के साथ इनकी इतनी रैंक आई है यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत जीपीएआई का अध्यक्ष। तो जीपीएआई की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीपीएआई आखिर क्या है चलिए समझते हैं। जीपीएआई एक अंतरराष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। जीपीएआई को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। जीपीएआई के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में की गई। यहां पर आप देख सकते हैं जीपीएआई के 15 संस्थापक सदस्य हैं जिनमें 14 देश जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस जर्मनी भारत इटली जापान दक्षिण कोरिया मैक्सिको न्यूजीलैंड सिंगापुर स्लोवेनिया यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। देखिए वर्तमान में जीपीएआई के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त ओईसीडी जीपीएआई में स्थायी पर्यवेक्षक परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को की जीपीएआई में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ।
यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। 21 से 22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत ने अगले एक वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं GPAI के शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुए हैं। तो पहला शिखर सम्मेलन इसका 3 से 4 दिसंबर 2020 को हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। और तीसरा शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और चौथी है जलवायु नीति। तो ये 4 श्रेणियां हैं जिनके आधार पर इसको जारी किया जाता है। देखिए 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। तो इसे किसके द्वारा जारी किया गया है आप देख सकते हैं, जर्मन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसके अलावा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट दोनों ने संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को जारी किया है। यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण था। सीसी क्लाइमेट चेंज फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है और शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से 4th स्थान हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं टॉप पर कौन सी कंट्री है, यह है आपकी डेनमार्क जो कि चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा ईरान को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में टॉप कंट्री कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं डेनमार्क 4th स्थान पर हैं क्योंकि टॉप 3 पर कोई भी कंट्री नहीं आ पाई है। इसके अलावा आपका स्वीडन, चिली, मोरक्को और भारत है। भारत 8वें स्थान पर है। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 की रिपोर्ट में 10वें स्थान एवं वर्ष 2021 में 10वें स्थान पर था। इस सूचकांक को 4 श्रेणियों के आधार पर जारी किया जाता है या इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं भारत का प्रदर्शन क्या रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का क्या स्कोर है, 29.69 रैंक 9 है और समग्र रेटिंग की बात करें तो उच्च है। नवीकरणीय ऊर्जा आप देख सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में मध्यम है, ऊर्जा उपयोग में उच्च है, जलवायु नीति में मध्यम है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक भूख सूचकांक 2022। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में IFPRI
PRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन को स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया, तब से यह सूचकांक वेल्ट हंगर हिल्फ एवं कंसर्न वर्ल्डवाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों जैसे अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग तथा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोरेटिलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है, और जो निम्नलिखित हैं आप देख सकते हैं, लो, मोड, रेट, सीरियस, अलार्मिंग और चरम भयावह, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। कुछ पॉइंट है यहाँ पर जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्डवाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 17वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियां, रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित थी। GHI रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्प पोषित थे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक GHI स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया में भुखमरी का स्तर सर्वाधिक है, इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का स्थान है। GHI 2021 में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में था। GHI 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर एवं यमन भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 और देशों जैसे बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया को अनंतिम प्रोविजनल रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। GHI 2022 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट की दर सर्वाधिक है। इसके अलावा वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107 है। तो आप देख सकते हैं 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 107 है। स्पष्ट है कि GHI 2022 में भारत का स्कोर यहां भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। देखिए, हाल ही में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में विश्व के 119 देशों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक वयस्क जनसंख्या के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में भारत ने 57वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश हैं कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान तथा मिस्र, जिनकी रैंकिंग क्रमशः 119, 118, 117 और 116 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक साल का जितना भी रिपोर्ट और इंडेक्स पब्लिश हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और आज आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाता है इंडेक्स एंड रिपोर्ट का। आपको बता दें कि इसकी 3 क्लास आई हैं, 3 क्लास में हमने इनको कम्प्लीट किया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बड़ा कवर करता है चीज़ों को, इसीलिए हमने इसको 3 क्लास में डिस्कस किया है। इसके अलावा ई दृष्टि करंट अफेयर की काफ़ी सारी क्लासेज आपकी ओर भी आ चुकी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और बाकी की क्लासेस को भी देख लेना है, जिन्हें हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है। नेशनल करंट अफेयर भी आपका पूरे एक साल का कवर करा दिया गया है और इसकी एक मैराथन क्लास भी है, तो आप उसे जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एक साल के अंदर जितना भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Thank you.